नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको गीता महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तं श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री भगवान जी ने कहा, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण साधु वैष्णव योगी 18 अध्याय का पाठ करते हैं, जिनको मैं कई अश्वमेघ यज्ञ किए का फल देता हूँ, कई कपिला गोदान किए का, असंख्य चंद्रायन व्रत किए का, और भी बड़े बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ, जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वह प्रीति के साथ सुनते हैं, हे लक्ष्मी जी पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते हैं व सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर और जहाँ जहाँ उत्तम ठौर है तहाँ बैठकर पढ़े, तो उस प्राणी को कलयुग के जितने भी पाप हैं वो नहीं व्यापते, नहीं लगते और दुख कलेश आपदा से छूट जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, जय हो। जो प्राणी यह चार साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा, गोविंद का भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापते। इन पर्वों में गीता का पाठ करे, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, तो 1000 गोदान का फल होवे। पितृपक्ष में पाठ करें तो जितने पितर अगोगत हो गए हैं उन सबका उद्धार होगा, वह बैकुंठवासी होकर आशीर्वाद देंगे, उनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी सारी गीता का पाठ करे तो उसका क्या कहना है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। एक अध्याय या एक श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भक्ति सब मिलेगी। जो श्रोता को सुनाए तो गोदान किए का फल होगा। इस जीव के उद्धार के 6 यत्न हैं, गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वधर्ममयी दया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवोमयी हरि। अर्जुन सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको पढ़े, सुने, धारण करेगा, शो कृतार्थ होगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की दाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण।